भाई महिंद्रा 575 DI काफ़ी पुराना मॉडल है। यह है 1997 का मॉडल। इसकी आगे वाले टायर मिल जाएंगे हमको 616 की, और पीछे वाले टायर इस साइड से नहीं दिख रहे, मैं आपको दूसरी साइड बताऊँगा जाके। पायदान मुझे पता आपको हमारे कलर PTA वगैरह के लिए, लेकिन इसको मैं बाद में बताऊँगा आपको। ऊपर जाने का आराम से बैठ कर बताएंगे। पंप तो है इसके सिलेंडर, हाँ जैसे आप देख सकते हैं ये पुराना ट्रैक्टर, लेकिन फिर भी ये 4 सिलेंडर में है। महिंद्रा 575 4 सिलेंडर में भाई। ये नई साइड हमें फ़िल्टर मिलता, फ़िल्टर के पास में मिल जाती है बैटरी का ऑप्शन। तो यहाँ ब्रेक और रेस मिल जाती है। इसके बाद अब चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके बताएंगे आपको और कुछ। तो देखते हैं इसके चारों तरफ का सीट वगैरह, देखते कितनी कंफर्टेबल। दूर से तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल दिख रही थी ये। ये रास्ता बहुत कम है हैंडल के स्टीयर के पीछे, मुझे बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो ये है इसके मीटर जो है, एक डिजिटल नहीं सॉरी एनालॉग मीटर है। और यहाँ पे ये लाइट का स्विच, ये मिलती है हमें हाथ वाली रेस। बीच में आ जाते हैं हमारे गेयर, तो नीचे एक और मीटर है इनका। इस साइड दिखता है हमें लीवर जो कि काम आते हैं लिफ्ट वगैरह उठाने के लिए। जैसे बताया था रेस ब्रेक और क्लच। तो पीछे की तरफ तो यहाँ पे हमारा हाई लो गियर, और ये एक डिफेंस लॉक यहाँ पे पीछे दे रखा है। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप जो पीछे डंपर पे उठाने के लिए, यहाँ हुक के नीचे मिलती है आपको PTO। रास्ता नहीं भाई, नहीं तो चला जाता मैं। और वहाँ नीचे में जाती है हमें लिफ्ट, यहाँ से हम कर सकते हैं कंट्रोल। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि इसकी क्या प्राइस है। कि बस सीट के लिए बोल तो रहा था, लेकिन कंफर्टेबल सीट है लेकिन फंस जाता आदमी इस तरफ जाने में। नीचे जाके आपको इसका प्राइस वगैरह बताता हूँ। कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक ना बता नहीं पाया मैं इसकी, क्योंकि बहुत ही पुराना मॉडल ना कुछ हिसाब से दिखा मेरे को। तो ये है 1997 का मॉडल, और उसके मांग रहे हैं 1,55,000 रुपये। तो अगर आपको चाहिए तो आइए फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी में और ले जाइए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स बाय।